उल्लेखनीय कलाकारों का कुंदन किशोर की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सम्मान किया गया। कुंदन किशोर की 12वीं पुण्यतिथि कल्याण बाल मंदिर स्कूल में मनाई गई। कार्यक्रम में बोलते हुए जिले की युवा साहित्यकार विमला मेहरिया ने कहा कि कला किसी जाति और उम्र की मोहताज नहीं होती है, ये स्वयं अर्जित प्रतिभा होती है। कार्यक्रम में ईश्वर सिंह राठौड़, इंदिरा चौधरी, जगदीश, उपसभापति अशोक चौधरी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर युवा साहित्यकार विमला महरिया सहित कई अन्य प्रतिभावान और विशेष प्रतिभावान लोगों का सम्मान भी किया गया। छोड़कर बॉम्बे तक धाम जमाने वाले कुंदन किशोर जी की 12वीं पुण्यतिथि पर आज ये आयोजन किया गया है। कुंदन किशोर जी मूलतः सीकर के निवासी थे और बाद में सीकर के रामलीला रंगमंच पर उन्होंने अच्छे अच्छे अभिनय गाने नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बॉम्बे बनाया, वहां अपनी धाम जमाई। मायापुरी जैसी पत्रिका में लेखन और बड़े बड़े फिल्मी कलाकार इस बात के लिए लालायित रहते थे कि कुंदन जी हमारा इंटरव्यू लें और वो किसी पत्रिका में छपे। तो इस प्रकार की शख्सियत का इस प्रकार से आयोजन करने का मामला ये उद्देश्य एक होता है कि किसी ने इस शहर में कुछ अच्छा किया है तो अन्य लोगों को उससे प्रेरणा मिले, इसलिए प्रतिवर्ष ये आयोजन कुंदन किशोर स्मृति